जय महाकाल दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में आप देखते हैं कि कॉरिडोर अपन कैसे घूम सकते हैं और अपने मोबाइल वगैरह और लगेज वगैरह को अपन कहां पर सबमिट करवा सकते हैं, मोबाइल सबमिशन कराने का क्या प्रोसेस रहता है और अपन कैसे कॉरिडोर में स्थित मंदिर मंडल के भक्त निवास में अपन कैसे ठहर सकते हैं और उसके क्या चार्जेस हैं, वो आपको प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने कॉरिडोर का फुल टूर और वहाँ की फैसिलिटीज को नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को आगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे मंदिर के आसपास या फिर कॉरिडोर के अंदर कैसे ठहर सकते हैं और मंदिर मंडल द्वारा बनाए गए इस आवास स्थल का क्या चार्जेस है और क्या टाइमिंग रहती है और इसके अलावा आप मंदिर के आसपास कहां ठहर सकते हैं। तो ये मंदिर की तरफ से ये एक भक्त निवास बनाया गया है, इसके कुछ चार्जेस होते हैं मिनिमल, जो कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो यहाँ से कुछ इसकी एंट्री है और आपको अंदर जाके बताता हूँ क्या चार्जेस है। सर, यहाँ पे रूम अवेलेबल हो जाएंगे? रूम्स नहीं है। चार्जेस क्या रहते हैं? चार्जेस क्या रहते हैं? डबल बेड 1300, फोर बेड 2000, सेम ही चार्जेस रहते हैं। और बिल्कुल कॉरिडोर बगल में है तो रात को आप आराम से कॉरिडोर भी जा सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं आराम से। यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है, रूम में जाकर मैं दिखा नहीं सकता था। और ये भारत माता मंदिर के जस्ट बगल में ही है और कॉरिडोर से चढ़कर है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और महाकालेश्वर मंदिर के पास और भारत माता मंदिर के जस्ट बगल में आपको एक यादव धर्मशाला मिलेगी, तो यहाँ के भी आपको चार्जेस बता देते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं। और यादव धर्मशाला का काउंटर आपको ऐसा लगेगा जैसे रेलवे इंक्वायरी काउंटर हो। तो रूम के चार्जेस कुछ इस प्रकार है, तीन बड़े कमरों का किराया 800 रुपए है और अटैच दो बड़े कमरों का किराया 600 रुपए है और साधारण कमरे का किराया 300 रुपए है। हो और एपी से हो और आपने किसी गांव से ट्रस्ट दे रखा है तो आपके लिए चार्जेस कम है। फ्री है या फिर कम है? तो यहाँ पे इनके पूरे चार्जेस के बारे में बताया गया है। तो मिनिमम जो है 300 रुपए में 5 व्यक्ति रह सकते हैं, यानी कि और अधिक प्रति व्यक्ति पर 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 5 व्यक्तियों से ज़्यादा होने पर 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। बाकी यहाँ पे और भी सुविधाएं बताई गई है जो आप देख सकते हो। और समाज ट्रस्ट व्यक्ति के प्रति व्यक्ति का किराया 150 रुपए रहेगा, यानी कि यादव समाज के ट्रस्ट में जिसने भी कुछ पे किया होगा, मतलब ट्रस्ट में कुछ भी पे करता होगा तो उसको 150 रुपए में मिलेगा 5 व्यक्तियों के ठहरने जैसी सुविधा वाला रूम। तो आप देख सकते हैं ये यादव धर्मशाला जो बिल्कुल भारत माता मंदिर के बगल में है और महाकालेश्वर मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर होगी। अगर आप यहाँ पर ठहरना नहीं चाहते और लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके फर्स्ट फ्लोर पर आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। तो एक शिव गेस्ट हाउस भी है जस्ट बगल में, तो अभी पूछ लेते हैं इनसे कितने का रूम मिलता है और वैसे क्या चार्जेस रहते हैं इसके। 1000 रुपए। तो 1000 रुपए में दो व्यक्ति मतलब डबल बेडेड रूम आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि यादव धर्मशाला के जस्ट बगल में ही है। तो इसका नाम है शिवांजलि गेस्ट हाउस। तो यहाँ का एक एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप रूम इधर लेते हो तो रात को आप आराम से ये पूरा मार्केट जो है घूम सकते हो पैदल, और कॉरिडोर भी जस्ट बगल में है और भारत माता का मंदिर भी बगल में है, तो इस चीज़ की सुविधा आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पे लेते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और जो मेरे दोस्त कोई भी महाशिवरात्रि पर यहाँ पर आने की सोच रहा है और बेसिकली वहाँ पे रूम मिलना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इंदौर में ही ठहर के कोई भी रूम वहाँ से ले सकते हैं, ताकि आपको कम से कम चार्जेस लगेंगे। और उसके बाद आप सुबह 1 घंटे के डिस्टेंस पे है ये उज्जैन, तो आपको 1 घंटे के लिए मतलब 75 रुपये का टिकट लगता है बस का और 20 से 30 रुपये लगता है ट्रेन से अगर आप आते हो तो। तो ये मेरा एक सजेशन है जिनको रूम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और कोई भी बंदा ऑफलाइन अगर रूम बुक करता है तो उसके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग में रेट ये बढ़ा देते हैं। मंदिर के जस्ट पहले आपको जूता स्टैंड मिलेगा यहाँ पे, निःशुल्क जूता स्टैंड, तो यहाँ पे आप अपने जूते वगैरह रख सकते हो जो कि एक झोले के अंदर डाल के आपको देने होते हैं। मैं आ गया हूँ महाकाल मंदिर के जस्ट बगल में, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था, और आपको ये टी शर्ट वगैरह अगर लेनी हो महाकाल वाली तो आपको ये इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। और दूसरा जो मेरा होटल था जो लास्ट टाइम मैंने किया था वो चौराहे के जस्ट सामने है जी, आज से 10 महीने पहले जो अपन ने होटल बुक करवाया था कभी और आपको दिखाया था और जो वीडियो वायरल हुआ था इसी होटल के बारे में, तो अभी दिखाता हूँ। उस टाइम पे इस होटल के जो चार्जेस थे 450 रुपये डबल बेडेड थे जो मैंने दिखाया था। और अभी कितना है ये अभी जाके पता करते हैं अपन। ये होटल ऋषि कुटी, कुटीर नहीं है कुटी है, होटल ऋषि कुटी। तो अंदर चलते हैं और फिर बताते हैं आपको। ये बता रहे हैं होटल रूम के जो चार्जेस चल रहे हैं डबल बेडेड के, तो वो कितना बता रहे हो आप? 1800। और ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे डिमांड ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे। और बाकी डबल बेडेड, ट्रिपल बेडेड, फोर बेडेड रूम जैसे फैमिली आती है तो उनके लिए, वो उसका क्या चार्जेस रहता है? 2500-2500 रुपये। अपना नीचे वाला एक रूम दिखा दोगे आप मेरे को?
कोई भी रूम। पिछली बार जो मैंने रूम बुक किया था वो था 101। ये मैंने आपको पूरा दिखाया था उस टाइम पे, जो कि 1800-2000 रुपये बता रहे हैं ये, और सीजन के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता है, 1800-2000 हो सकता है मैक्सिमम। और कईयों से मुझे सुनने को मिला था कि यार 4000 की भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 205 ये अभी दिखा रहे हैं जो रूम अभी अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो 3 से 4 लोग यहाँ रुक सकते हैं आराम से, है ना। और ये इनका रूम है, और इस बार तो यार कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई दिख रही है। और वॉशरूम भी दिखा देता हूँ मैं आपको, वॉशरूम की कंडीशन भी एकदम ओके। गीज़र वगैरह अवेलेबल है ना, गर्म पानी वगैरह, हाँ, टीवी वगैरह है अवेलेबल। और ये इनके फ़ोन नंबर है, तो आप ऑनलाइन कॉल करके इनके होटल के बारे में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो टैरिफ चल रहा है, इसका क्या टैरिफ होगा? 2500 इसका। और भाई अभी जो मैंने लास्ट सीजन में आपको दिखाया था 450 रुपये इस रूम का चार्ज, जो कि अभी 1800 रुपये हो रहा है। तो यार कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पे जो पब्लिक है, जो टूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आना, जिस वजह से हर होटल वाले ने अपने रूम को दोगुना कर दिया। यार भैया से होटल के बारे में पूछ लेते हैं, होटल के क्या चार्जेस है यहाँ पे? भैया होटल के रूम अवेलेबल है अपने, कितने का क्या है टैरिफ? 1800 रुपये डबल बेडेड का, और 4 बेडेड फैमिली। और ये बिल्कुल महाकाल कॉरिडोर के जस्ट बगल में है, भारत माता का मंदिर यहाँ दिखाई दे जाएगा। और ये है महाकाल का मंदिर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, और ये इनका होटल है जहाँ पर 1800 से रूम स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली यार इतने सारे होटल्स और धर्मशाला देखने के बाद अगर मैं आपको एक रिकमेंडेशन करूँ, जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी, थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आप मंदिर मंडल की जो ये भक्त निवास, जो ये बिल्डिंग बनाई गई है अतिथियों के लिए, तो बुकिंग एडवांस करवाएं यहाँ पे और यहाँ का स्टे का एंजॉय करें। क्योंकि यार यहाँ से आपको जब आप ऊपर से देखोगे कॉरिडोर से या फिर विंडो से, तो आपको पूरा जो महाकाल का कॉरिडोर है वो भी दिखाई देगा, भारत माता का मंदिर भी दिखाई देगा, और महादेव का मंदिर भी दिखाई देगा, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टे करें, मेरी अगर रिकमेंडेशन माने, क्योंकि आज रात को मुझे निकलना है विद इन 2 आवर्स, तो मैं यहाँ पे स्टे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई रूम भी नहीं ले रहा हूँ। एक अपडेट हो रहा है कि आपको मोबाइल कैमरा या फिर कैमरा दोनों ही अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, तो आपको बाहर ही सबमिट करवाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये अतिथि रेस्ट रूम है, खाने पीने की व्यवस्था भी इधर, और आने वाले समय में कॉरिडोर के अंदर काफी सारी स्टॉल्स लगने वाली है, फूड स्टॉल्स भी लगने वाली है, और बाकी स्टॉल्स भविष्य में आपको देखने को मिलेगी। तो मैं अभी यार ये सारे मोबाइल्स अभी जमा कराने जा रहा हूँ, और इसके बाद महाकाल के अंदर मोबाइल के लिए एंट्री नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको बाहर कहीं ना कहीं रखना होगा, अपने होटल रूम पर रख दे, सबसे बेस्ट तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन में लग के फिर आपको लोकर रूम से लेकर आना पड़ेगा। मोबाइल लोकर रूम में ये मोबाइल्स रख रहा हूँ, ये काउंटर नंबर किसी पे भी कर दूंगा जमा यार, यही। तो भाई हमारा जो दर्शन थे जल्दी हो गए, 9:31 पे हम आ चुके हैं, और ये कुछ मोबाइल सबमिट कराने का काउंटर है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप मोबाइल सबमिट करवा सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होता है, पूरा फोटो वगैरह क्लिक करते हैं आपका, और देन उसके बाद ये मोबाइल सबमिट करते हैं। और ये है पाटीदार समाज की धर्मशाला, ये देखिए, और वहाँ पे भी है द्विवेदी समाज की धर्मशाला, तो बहुत सारे ये यहाँ पे, और जो इसी समाज के लोग हैं और जो ट्रस्ट में पैसा देते हैं या फिर कुछ योगदान देते हैं सहयोग राशि, उनके लिए विशेष तरह का डिस्काउंट देखने को मिलता है, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का भी आपको मिल जाता है। धर्मशाला के अंदर 400 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और ये कौन सा समाज है? सिरवी समाज धर्मशाला। तो यहाँ पे वैसे कोई समाज का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी धर्मशाला में आके ठहर सकते हैं, और उसके लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा। और दोस्तों इस रोड पे आपको 1000 रुपीज के अंडर में काफी सारे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिलहाल हमारा टाइम हो गया था यहाँ से निकलने का, तो हम ऑटो रिक्शा वाले को आवाज देते हैं, बट वहां से गुजरते हुए एक अंकल हमें आवाज देकर हमें छोड़ने का आग्रह करते हैं, और हम भी कोई बिना क्वेश्चन किए उनकी गाड़ी पर बैठ जाते हैं। अपना वो उठा ला बैग फटाफट, चलो धन्यवाद भी बोल देना अंकल को। तो अभी हम आ रहे थे पैदल पैदल, और टैक्सी वाला भैया 100 रुपये मांग रहा है 1 किलोमीटर के, तो हमें अंकल मिले जो यहाँ के लोकल ही है, तो ये हमें ड्रॉप कर रहे हैं। और भाई ये होटल था जिसके बारे में आप लोग क्वेरी करते हो मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो इसके चार्जेस मैंने आपको बता दिया, 1800 रुपये से लेके 2500 रुपये तक का इसका चार्जेस है, जो सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ये अंकल हमें मिले हैं, तो ये हमें ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि टैक्सी वाला इनके सामने पैसे मांग रहा था हमसे एक्स्ट्रा। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे बहुत कम लोग, और अंकल ने बताया ये रिकमेंड किया हमें मारवाड़ी पवित्र भोजनालय। चलो अंकल थैंक यू, कॉल कर रहा हूँ जब उदयपुर बता रहे हैं। थैंक यू अंकल, आप मुझे कॉल कर देना, लॉकेट टेलर्स, कोई समस्या नहीं आएगी कभी भी। चलो धन्यवाद अंकल, हाँ ये तो पता है, ये पता है पता है, ये वाली बस स्टैंड है ना बगल में उसके, उदयपुर के लिए जाना, ये लाइट चमक रही है ना, थोड़ा सा आगे चले ना, ठीक है 100 मीटर, ठीक है वहाँ सारी बसें मिलेगा। ओके ओके, तो भाई यार इन्होंने आगे से गाड़ी रोकी, और टैक्सी वाले से हम पूछ रहे थे कि कितना किराया, तो टैक्सी वाले ने जैसे ही, जैसे उसने 100 रुपये बताया ना, नहीं नहीं 100 रुपये,
उसने 100 रुपये टोटल हमें बताया। तो उसके बाद इन अंकल ने सुन लिया था और हमें पता था कि 1 किलोमीटर ही है यहाँ से रेलवे स्टेशन। तो अंकल ने स्पेशली बोला कि आप मेरे साथ बैठो, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। फिर हमारे लिए होटल भी गए, हमने अपने होटल से बैग उठाया और उसके बाद हम यहाँ आ गए अभी मारवाड़ी पवित्र भोजनालय, जैसा अंकल ने बताया था। और ये उन्होंने अपना कार्ड दिया, जो भी कोई है। तो अभी फुर्सत से जब मैंने अंकल का कार्ड देखा तो पता चला कि अंकल तो लेडीज ड्रेस के स्पेशलिस्ट हैं, तो जो भी कोई उज्जैन से है वो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। सिर्फ काम के लिए कांटेक्ट करें, उनको अननेसेसरी परेशान करने के लिए कांटेक्ट ना करें। थाली है तो इनका कुछ मेन्यू है जहाँ पे अभी हम आए हैं, मारवाड़ी थाली वाले के। अगर आप थाली लेना चाहते हैं तो थाली ले सकते हैं, 120 रुपए में अनलिमिटेड होता है। बट अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे दाल तड़का कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा फोन डेड है तो थोड़ा क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। क्योंकि मेरा फोन आपको सामने दिख रहा होगा, वो चार्ज पे लगा हुआ सैलेड। तो भाई सैलेड रख दी इन्होंने एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। और ऑर्डर करने के विद इन 5 मिनट ही हमारा जो आइटम था वो सारा टेबल पर आ चुका था। और ये होटल भी हमें उन अंकल ने रिकमेंड किया था जो हमें यहाँ ड्रॉप करके गए थे, और खाना वाकई में बहुत टेस्टी था यार। तो रेलवे स्टेशन के पास ये है मारवाड़ी रेस्टोरेंट, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ का फूड। यार सैमसंग के फोन इतने ज्यादा बेकार होते हैं ना, साढ़े मेरा 15 मिनट खा गए अभी ये फोन को, मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ा अभी। मैं तो सैमसंग के फोन कभी रिकमेंड ही नहीं करूंगा किसी को लेने के लिए। और बिना किसी देरी के साथ हम निकल चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम ही बच रहा था। पंकज भाई अपना निकल गया उधर और जल्दबाजी थी क्योंकि यार टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास भी और उसके पास भी। और जो मेरी गाड़ी है वो है 10:50 पे, भागो यार। ओ भाई तो गए हैं अपन उज्जैन जंक्शन पर और यहाँ से टिकट घर पे चलते हैं और सबसे पहले टिकट लेते हैं। और इस समय मैं 2 मिनट लेट चल रहा था और जिस कारण से हमारी गाड़ी छूटने ही वाली थी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि क्या होता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए।